He's having a very big specialty, and we all know her. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता. अब हम बूढ़े हो गए, हम जो मर्जी बोल रहे हैं. सो अक्षिता बेसिकली शी क्रैक दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? एंड हर होल जर्नी ऑफ प्रिपरेशन वॉज अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, राइट? एंड आई हैव इन्वाइटेड अक्षिताज फादर ऑल्सो, हु हैज़ बिन अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर हर एंड फॉर अस ऑल्सो, पुशिंग अस, राइट? एंड वी विल शेयर बोथ व्यूज ऑफ बोथ द अवर गेस्ट हेयर, एंड दे विल शेयर योर जर्नी, एंड आप थोड़ा से टिप्स, आप जो भी क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, राइट? एंड एंड यू कैन बी मोटिवेटेड, राइट? प्लीज, आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज लेट हो गया. हेलो एवरीवन. तो सर ने इंट्रोड्यूस तो कर ही दिए. तो बेसिकली मैंने अपनी प्रिपरेशन अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में शुरू की थी. मेरा ग्रेजुएशन MBBS में है, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी स्टडी शुरू की थी. स्टार्टिंग में मेरा फोकस सिलेबस पे ही था, जैसे कि जो सब्जेक्ट्स मेरे लिए नए थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए काफ़ी नए थे. तो मेरा फोकस था कि मैं पहले इनको ग्रेस्प करूँ, क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि वो तो हो जाएगा, पहले ये सब्जेक्ट्स को थोड़ा फोकस करना चाहिए. तो उन सब्जेक्ट्स को मैंने काफ़ी टाइम दिया. मेरा वीकेंड फोकस था, तो उस पर मैंने काफ़ी टाइम दिया. एक एक सब्जेक्ट को 3-4 मंथ्स में एक सब्जेक्ट फिनिश होता था, लेकिन आराम से पेशेंस के साथ उसको फॉलो किया. जो भी स्ट्रैटेजी थी यहाँ पर टीचर्स की, उनको फॉलो किया, और धीरे धीरे हर सब्जेक्ट को थोड़ा जाना कि इसमें क्या क्या कमियाँ रह गई हैं और क्या क्या इसमें मेरी स्ट्रेंथ है. तो जब आपको वो पता चल जाता है, तो उस पर आप फोकस करना ईजी हो जाता है. जैसे कि पॉलिटी में आपको अगर फोकस करना है, तो आप अपने ढूंढ लो कि ये एरियाज़ मेरे स्ट्रॉन्ग है, ये एरियाज़ मेरे वीक है. आप उन्हीं को, वीक एरियाज़ को पहले से ही स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो. ऐसे मत करो कि आप 4-5 सब्जेक्ट्स इकट्ठे लेकर चल रहे हो और फिर आपके सभी सब्जेक्ट्स में वीक एरियाज़ है. आप कोशिश करो कि आप अपने वीक एरियाज़ को स्टार्टिंग में कवर करने की कवर कर सको. तो ग्रेजुएशन के वक्त मेरा ध्यान यही था कि मैं अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करूँ. तो धीरे धीरे ही मैंने थर्ड और फोर्थ ईयर में अपने ये सब्जेक्ट्स फिनिश किए. मेरा मेन एम ये था कि मैं प्रीलिम से पहले अपना सिलेबस, बेसिक GS का सिलेबस फिनिश कर लूँ. तो उस हिसाब से मैंने अपनी प्लानिंग की. वैसे ही कोई भी बच्चा अपनी प्लानिंग कर सकता है जिसका 1 ईयर या 2 ईयर बचा हुआ है. तो इस तरह से करो कि प्रीलिम से पहले आपका सिलेबस फिनिश हो जाए, क्योंकि फिर आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो यू हैव टू बी गेट रेडी फॉर मेंस. तो उसके लिए आपके पास टाइम थोड़ा कम रहता है और उसमें आपको ऑप्शनल भी देखना होता है. तो कोशिश करो कि अपना सिलेबस आप प्रीलिम से पहले इस तरह से कंप्लीट करो कि आपके वीक एरियाज थोड़े स्ट्रांग हो जाएं, थोड़े लूप होल्स ना रहें, और आप उसको धीरे धीरे विद पेशेंस आप उसको हैंडल करो और थोड़ा सीखो. और ग्रेजुएशन में थोड़ा ऐसे भी रहता है हमारे साथ कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज में, तो एग्ज़ाम्स के वक्त हमारा ये कोचिंग वगैरह बिल्कुल बंद हो जाता है. तो घबराना नहीं है उससे. मेरे एग्ज़ाम्स फाइनल ईयर के 3 मंथ्स थे, तब मैंने सर से भी बात की थी कि सर मेरे तो एग्ज़ाम्स आ गए, मैं क्या करूँगा. तो सर ने कहा कि तू अभी एग्ज़ाम्स पर फोकस कर, पहले पास होना ज़रूरी है. तो पहले MBBS के एग्ज़ाम्स पर फोकस किया 3 मंथ्स. उसके बाद 1 मंथ में थोड़ा डबल स्पीड करके एरिया को कवर करने की कोशिश की. तो ऐसे घबराना नहीं है कि आपका सिलेबस रह जाएगा 3 मंथ्स में, आपको बैकलॉग हो जाएगा. वो आप नेक्स्ट 1 मंथ में अच्छे से कवर कर सकते हो. तो वो विद ग्रेजुएशन भी ईजी रहता है. अगर आप एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एग्ज़ाम्स दो, उधर भी फोकस करो और इसको थोड़ा कम कर दो, फिर एकदम से नेक्स्ट मंथ आप उसको कवर अप कर सकते हो. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी तब, उस वक्त. बाकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा सेम भी है. तो इनकी तैयारी इकट्ठे चलती है शुरू से ही. अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ मेंस वाले पॉइंट्स मिलेंगे. तो ऐसे उसको सेग्रीगेट करने के बजाय आप उसको एक साथ लेकर चलो, ये बेस्ट रहता है. और इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी करो या मेंस की करो, आप बस तैयारी कर रहे हो, तो वो बेटर रहता है. और एक चीज़ जो सर ने सिखाई थी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स की, वो मैंने हमेशा फॉलो की है, हर सब्जेक्ट में फॉलो की है. जैसे कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो, NCERT रीड कर रहे हो, तो उसके पॉइंट्स आप अपने नोट्स में ही ऐड ऑन कर लो, ताकि आपको रिवीजन के वक्त सिर्फ एक ही नोटबुक पढ़नी पड़े और उसी में आपके पास सारे पॉइंट्स हों. तो ये काफ़ी बेनिफिट रहता है. मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए थे, ताकि मुझे बस एक नोटबुक पढ़नी पड़े और मेरा पूरा वो सब्जेक्ट डन हो जाए. तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी सर की, वो मैंने फॉलो की थी हर सब्जेक्ट के लिए. ये रहता है. बाकी जो मेन चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट. आपको कोशिश करना है कि आप टाइम मैनेज्ड पर्सन रहो,
क्योंकि हमें एग्ज़ाम भी 3 आवर्स में लिखना होता है, सुबह शाम लिखना होता है, तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो कि आप टेस्ट सीरीज से ये टाइम मैनेजमेंट सीखो। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करोगे उतना आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। अगर MCQ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ फोकस करो, अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर फोकस करो। तो टेस्ट सीरीज़ जितनी जल्दी हो सके आप उसको थोड़ा फॉलो करना शुरू कर दो, ताकि आपके प्रॉब्लम्स या आपके जो वीकनेस है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये कुछ 2-3 टिप्स थे जो मैंने फॉलो किए थे, और आपको भी शायद इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए जो वीकली होता है, जैसे वीकली काफ़ी वेबसाइट्स पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे भी होता है, तो वीकली अपडेट्स मिल जाते हैं जिसमें वो कंपाइल करके सब कुछ दे देते हैं। तो मेरा फोकस था कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है विद ग्रेजुएशन, तो मेरे पास न्यूज़पेपर डेली पढ़ने का टाइम नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने बिल्कुल न्यूज़पेपर को इतना फोकस नहीं दिया कि मैं 2-3 आवर्स न्यूज़पेपर को दे सकूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने वीकली फॉलो करना शुरू किया कि जो वीकली अपडेट्स आते हैं उनको थोड़ा नोट कर लो 2-3 जगह से, और उसके नोट्स बना लो, या फिर जो मंथली आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। अगर आप डेली रीडर पर्सन हो तो आप डेली भी फॉलो कर सकते हो। मैंने वीकली और मंथली फॉलो किया था, ताकि उसमें से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले वो एक जगह कंपाइल कर लूँ और उसको फिर रिवाइज करूँ। करंट अफेयर्स में मेन चीज़ इज़ रिविज़न। तो अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हो, यू हैव टू रिवाइज़। और इस तरह से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है कि आप पूरे एक साल के करंट अफेयर्स उस लास्ट एक महीने में रिवाइज़ कर सको। तो कोई भी सोर्स आप रखो, बट उसको रिविज़न मस्ट है। तो वैसे आंसर राइटिंग में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, अभिमन्यु की थी एक, तो उसमें ऐसे होता था कि 1 वीक में एक टेस्ट होता था, सैटरडे संडे वीकेंड पे, तो उसका सिलेबस पहले हमें पता होता था, तो वो सिलेबस थोड़ा प्रिपेयर किया और यहाँ पे आके टेस्ट लिख लिया। तो हाँ, डायरेक्ट टेस्ट से शुरू किया था। मतलब स्टार्टिंग में तो कम मार्क्स आते थे बहुत, फिर उस टीचर से पूछो आपकी कम क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर जाता है। स्टार्टिंग में तो कम मार्क्स आते, मतलब आप टीचर से समझो कि दिक्कत क्या आ रही है। MCQs पे फोकस तभी रखो अगर आपको लगता है कि वीक, मतलब अगर आपको लगता है कि आप हैंडल कर सकते हो तो आप नॉर्मल चलते रहो, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एक सफिशिएंट होती है। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत कम आ रहे हैं 60-70, तो आपको फिर और जोर देना पड़ेगा प्रीलिम्स पर। फिर आप मेंस को बाद में देखो, पहले प्रीलिम्स को देखो। वो आप खुद को एक बार पूछ लो कि किस में आपकी स्ट्रेंथ है। मेरी MCQ स्ट्रेंथ थी, शुरू से ही मुझे MCQ करना अच्छा लगता है, मेरे क्विज वाला एटीट्यूड है थोड़ा, तो मैंने MCQ को बस एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और उसको फॉलो किया। अगर आपको लगता है कि आपका MCQ थोड़ा वीक है, तो आप थोड़ा और स्ट्रेंथ करने के लिए उसकी डेली प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि MCQ इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट है इन एनी केस, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं। बाकी ऑप्शनल अपना फोकस ऐसा रखना कि आप ऑप्शनल वो चूज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट और आपकी पकड़ अच्छी हो। मेरा मेडिकल साइंस ऑप्शनल था और उसी ने काफ़ी बचाया, तो आप ऑप्शनल काफ़ी अच्छा स्ट्रांग रखो कि ऐसा हो कि आप ऑप्शनल में बिल्कुल डूबने वाली हो, कि वक्त कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए एक्स्ट्रा, आप उसको हैंडल कर सको, अच्छे से हैंडल कर सको। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन हमें आते होते हैं वहाँ पर, ऑप्शनल में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, तो वो हमें हैंडल करने आने चाहिए, तभी अच्छा रहता है। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो नहीं, मैंने लक्ष्मीकांत भी रीड की थी, जो सर मना करते थे, बट एक बार रीड कर ली थी उसमें से जो पॉइंट्स थे वो मैंने अपनी नोट्स में ऐड कर लिए थे। बाकी तो इसके लिए मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। जैसे अगर आपके कोई फ्रेंड होता है तो वो अगर कुछ पढ़ता है तो आपको लगता है कि मैं भी करता हूँ। तो अगर मेरे फ्रेंड ने अगर आज 10 पेजेस रीड किए हैं और मैंने सिर्फ 5 किए हैं, तो वो मुझे बताता था कि मैंने 10 पेजेस कर लिए, तो फिर मैं भी 10 पेजेस करती थी। तो किसी दिन मैंने ज़्यादा कर लिए, उसने कम किए,
तो मैं उसने भी जल्द ज़्यादा कर लिए। तो अगर आपके साथ कोई कंपेनियन है पढ़ने के लिए, आप आपस में ग्रुप्स बना लो तो मोटिवेशन काफ़ी मिलती है। ऐसे ही अगर उसने कोई टेस्ट दिया, मैंने टेस्ट दिया, मार्क्स हमने देख लिए, कहाँ गलती रही वो देख ली, तो ऐसे थोड़ा मोटिवेशन रहता है। बाकी तो हमारा गोल सेट है, अगर आपका गोल सेट है, आपको करना है, तो आपको अंदर से खुद से मोटिवेशन आएगा कि मुझे करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए करना ही है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सबको। So now I will request Pavan ji, father of Akshita, to say a few words of motivation, because he has been constantly working along with her. So I always say that success of a student is also the success of her or his or her parents, because ये तैयारी family की होती है, तैयारी कोई individual की नहीं होती है कभी भी तैयारी। तो I specially invited him कि आप ज़रूर आएँ, and so that he can also say a few words of motivation. Sure. गुड इवनिंग, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ देख के, बट थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस की भी कमी नहीं लग रही है मुझे, जो मैंने आते ही अंदर आपके देखा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिए। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये करना है, कोई भी क्लास है, चाहे वो IAS के लिए कर रहे हो या आप सिंपल ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो, तो आप अपने मन से कीजिए उसको, किसी के कहने से ना कीजिए। आप IAS में इसलिए अपीयर ना हो कि अक्षता ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, आप ये कहो कि मैंने करना है, चाहे किसी ने किया या नहीं किया, तो यू विल डू इट। जब हम किसी एक मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको पा लेते हैं, पर उसके लिए प्रयास हमें अपने दिल से करने हैं, किसी के कहने से नहीं करने। हमने कभी नहीं कहा तू IAS बन, हम तो सिर्फ, हमारा तो टारगेट इसको डॉक्टर बनाने का ही था, इसका मन में आया कहते पापा मैं ट्राई कर लूँ, मैं कर ले, सी जस्ट ट्राई इट, और वो दिल से ट्राई की और वो हो गया। जब हम एडमिशन लेने आए थे सर के पास, हमने उसी दिन कह दिया था कि अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो हम करेंगे और हम आपको सीट निकाल के देंगे, और हमने वो प्रॉमिस पूरा भी किया। तो मैं आप बच्चों से भी ये कहूँगा कि आप केवल इसलिए IAS की तैयारी ना कीजिए कि आप लोग कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है, मेरा पड़ोसी कर रहा है, या पेरेंट्स के कहने से मत कीजिए। आप अपने अंदर ले आइए कि मैंने ये काम करना है, और उसके लिए जो भी एफर्ट्स आपको करने पड़ रहे हैं वो कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कि जब अक्षता कर सकती है तो कोई भी बच्चा कर सकता है, क्योंकि इसने कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, सिर्फ वही कि 8 से 10 घंटे की सीटिंग, और वो आपको करनी भी पड़ेगी, क्योंकि 6 घंटे तो आपने पेपर में ही बैठना है कंटिन्यू। जब हम एग्ज़ाम देने जाते तो हमें भी शुरू में तो उसको भी 2 दिन दिक्कत आई, क्योंकि 6 घंटे लगातार लिखना, और साइंस स्टूडेंट के लिए तो वैसे ही बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट तो 2 पेजों में ही क्वेश्चन पूरा कर देता है, अपना आंसर पूरी कर देता है, और ढाई पेजेस पूरे लिख के आने, भरने, बड़ा मुश्किल काम था। तो उसकी लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप अपनी। काफ़ी बच्चे इसके साथ ऐसे थे जिनको आता था, जब बाहर निकलते तो हो मेरा तो छूट गया, मेरा रह गया, लेकिन इसने कभी आगे ये नहीं कहा कि मेरा छूट गया, से दैट मैंने बस कर दिया पूरा। तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर बनाइए, जो भी आप पढ़ते हो उसको साथ साथ लिखने का आदत डालिए। तो जब आप कोई चीज़ हम लिख देते हैं तो वो हमेशा के लिए बैठ जाती है, खाली पढ़ने से वो चीज़ नहीं रहती, ठीक है। तो मोटिवेट योर सेल्फ, जब आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, खुद को मोटिवेट करोगे कि यस आई विल आई कैन, तो हो जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। आपने ग्रेजुएशन भी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, जब आप एक 10वीं पास कर सकते हो, एक बच्चा 10वीं 100% नंबर लेके पास कर रहा है, टॉपर है, 10वीं का टॉपर है, तो वो कैसे किया उसने, वो जो सिलेबस उस 10वीं का था उसने पूरा ढंग से पढ़ा, टॉप कर गया। ऐसे इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एक स्ट्रेटजी बनाइए और अपने पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, जहां आपकी वीकनेस है, जैसे गुड़िया ने बताया, अक्षता ने बताया कि जहां आपकी वीकनेस है उसको पॉइंट आउट कीजिए, और बार 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 उस वीकनेस पे स्ट्रेस कीजिए, क्योंकि जो आपका अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा, उसको कोई बदलने वाला नहीं है, लेकिन जो आपका वीक है, जिस दिन वो अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छे हो जाओगे। बस अपने अंदर अपने आप को जगाओ, किसी के जगाने से नहीं जगोगे, जब आप खुद अपने आप को जगाओगे तो आप करोगे, और उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, जैसे आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि कोविड सबके लिए नुकसानदायक रहा और इसके लिए कोविड बेनिफिट रहा, क्योंकि ऑनलाइन, उससे पहले ऑनलाइन इतना नहीं था, कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन आ गया, और इसने
काफ़ी मदद की, और यहाँ तो आपका अभिमन्यु भी आपका ऑनलाइन चल रहा है, तो आप इनका अच्छा इंस्टीट्यूट है, इनको इनके मार्गदर्शन में रहिए और हमेशा अपने टीचर्स ने, जो आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, एंड आई होप यू ऑल विल सक्सेस, और नेक्स्ट ईयर आई विल ऑल्सो बी देयर फॉर योर फैसिलिटेशन प्रोग्राम। थैंक यू सर। वेरी गुड। थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम, एंड विद दिस आई एंड दिस स्मॉल फैसिलिटेशन फंक्शन इनफॉर्मल वन, राइट, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड द बेस्ट टेक अवे इज दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड ओनली यू कैन हेल्प क्लियर योर सेल्फ, है ना। बिलीव इन योर टीचर्स, बिलीव इन योर मेंटर्स, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लोगों से मदद लेनी आनी चाहिए, जैसे व्हेन शी वाज सेइंग कि फ्रेंड्स हैं, तो इनफैक्ट दैट इज एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग हेल्प, है ना। इन अ वे यू आर हेल्पिंग अदर्स एंड यू आर टेकिंग हेल्प, दैट इज वर्किंग इन अ ग्रुप। हाँ वो भी काम करें, आप पीछे ना खींचें, हाँ हाँ साथ भागे, वो आपसे आगे चलें, आगे चलें, एक वो होगा जो आपके साथ भागेगा, ऐसा फ्रेंड चूज करो जो आपके साथ भागे, आपको पीछे ना खींचे, ठीक है जी, मिल जाएंगे ऐसी बात। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, अब काम करो दोबारा।